जो मीनू का बाप है ना, वो कभी कभी मेरे लिए बिस्किट लाता है, शहद से ज्यादा मीठे और कपास की तरह नरम, मुंह में रखते ही खुल जाते हैं। अल्लाह जाने कौन सी दुकान से लाता है, मैं तो उन्हें छुपा के रख देती हूँ। जब दिल करता है दो चार निकाल के खा जाती हूँ। आज चाय के साथ तुम्हें भी खिलाऊंगी, चाय तैयार हो गई होगी, मैं लाती हूँ। अम्मा आप कहाँ जा रही हो? बिस्किट लेने जा रही हूँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे? कोई नगमा इश्क गाए न गाए के फिर मुझसे दीवाना आए ना आए। जैसे शाहों का शाह दो के आगे चार लगा, रांझे शाह की रानी तीन घरों में काला पानी। कब है गुरंदाजी? पहले कभी नहीं खेला? नहीं। जो गेम खेलता है उसको तो सब मालूम होता है, कब नंबर निकलेंगे, कब ऐलान होंगे। खेलना भी आता है? सीख जाऊंगा। हाँ, दिल में तलब हो तो बंदा सीख ही जाता है। मोटा मोटा तो मैं सिखा दूंगा, बाकी 40-50 हज़ार हारेगा तो खुद ही सीख जाएगा। वैसे है कहाँ का? कैसर कलां का तो नहीं लग रहा? यहाँ का नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा मैं भी किस्मत आजमा लूं। 8 और 18 खेलेगा इस बार, 1,008 पे लगा दे, 2,018 पे। जीत गया तो कितने मिलेंगे? 8 पे 1,00,000 और 18 पे 80, दोनों लग गए तो 1,80,000 तेरा। सोच मत, लगा दे, जो खेलता है वही जीतता है और जो जीतता है ना वही सिकंदर होता है। एक दिन बाद कुरानदाजी है, 1,70,000 तेरी जेब में। अभी तो 1,80,000 थे। हाँ तो 10,000 मेरा कमीशन भी तो होगा ना, जिस दुकान से पर्ची लेगा उसको कमीशन नहीं देगा? ये नंबर लगेंगे तो सही ना? ऐसे लगेंगे जैसे भीगे परिंदे को करंट लगता है। सोच मत, 10 मिनट बाद सेल बंद हो जाएगी। इस पे अपना नाम और जिन नंबरों पे खेलना है वो लिख दे इधर। जुम्मे को 9 बजे कुरानदाजी है, यहीं आ जाना। जाओ जाओ।